ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਯੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਲੈਣੇ ਚਲਾ ਥਾ ਸਕੂਲ ਸੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੇਟ ਹੂੰ, ਅਭੀ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਤੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਯੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਫੇਰ ਯੇ ਦੇਖੋ ऐसे ऐसे इधर घर है, ये छोटा लेक क्रीक सा था होता है, पानी थोड़ा थोड़ा जाता है इसके अंदर, और ये इधर ऐसी दूर दूर छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन दरख्त बहुत होते हैं यहाँ पे। इतना अलग अलग साइड पे अलग अलग यहाँ पे होता है, जैसे ये इधर देखो, इधर घर ही आएंगे थोड़े थोड़े 3-4, तो इधर देखोगे तो भाई पूरे फिर ये ट्री दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सिंगर रहता है, उसका घर भी आगे आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्री सिंगर है वो, अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। यहाँ पे सभी को मिलता रहता हूँ मैं, तो कभी टेंशन लेता नहीं, क्योंकि अपन वही एनमी नहीं बनाते हैं, दोस्त ही बनाते हैं। जहाँ कुछ देसी की पहुँच नहीं जाती, वहाँ फिर ये रब का बंदा पहुँच जाता है। ये आ गया जिसका मैं घर की बात कर रहा था, ये वो जो गाता है बंदा, उसका घर है ये, इसके घोड़े बोड़े पीछे रखे हैं, बहुत बड़ा फार्म है इसका, ये पूरा इसका ही है। और ये अभी देख लो आप, तो ये यहाँ के भाई मुर्गी खाने हैं यहाँ पे, सॉरी मेरी विंडो क्लीन नहीं है फ्रंट पे, तो ये यहाँ के मुर्गी फार्म आते हैं, तो इसलिए अभी आप देख लो ये होता है यहाँ पे मुर्गी फार्म वालों का, ये पूरा इनका जो कहाँ पे खाद वगैरह रखते हैं ये होता है, तो ये ट्रक होते हैं इसमें लाते हैं, तो ये आगे मेरी बच्ची का स्कूल आ जाता है सामने, यहाँ पे ऐसा साइन होता है, यहाँ पे स्कूल होता है, यहाँ सिर्फ इतनी स्पीड पे जाते हो, अगर ज़्यादा जाओगे ना तो फिर भाई मामा टिकट जरूर देगा आपको, ठीक है, फिर तो कुछ भी कर लो। ये देखो, मैंने सोचा था लेट हो गया, लेकिन लाइन तो अभी भी लंबी लगी पड़ी है, बट नॉट टू लॉन्ग एनीवे। जो मैं आपको दिखाना चाहता था ऐसे है, तो वो दिखा रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे अभी तो ख़त्म हो गया सारा, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, वरना तो ये पूरी पार्किंग लॉट है ना, जो बच्चों को उठाने के लिए उधर से भी आता है रोड, 3 रोड उधर से आते हैं, गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, जो ये पूरा स्कूल है मेरी बेटी का, तो पूरा ये पार्किंग लॉट फुल होती है। यहाँ पे एक लाइन इधर साइड पे होती है, लेफ्ट पे होती है, और फिर यहाँ पे राइट पे, इधर लेफ्ट पे और राइट पे दोनों पे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, सॉरी। तो ये यहाँ का भाई, यहाँ पे फिर आपको बताना भी पड़ता है कि लड़की का नाम क्या या लड़के का नाम क्या, जिसको भी आपने उठाना होता है, तो सिक्योरिटी बहुत होती है स्कूल में, ऐसा नहीं है कि आप ऐसी कोई किसी को भी भेज दो कि बच्चे को उठा ले, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे, वो आप जिनके नाम लेके होंगे अंदर कंप्यूटर में तो उनको वही उठा सकता है मेरे सिवाय, और यहाँ पर कोई उठाएगा तो मेरे को पहले फ़ोन आएगा कि भाई आपने किसी को भेजा है, तो नहीं भेजा है तो नहीं बोल देंगे, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों की टेंशन नहीं रहती है इतनी स्कूल में जब होते हैं, लेकिन हाँ बड़े लड़कों की ज़रूर रहती है, क्योंकि वो बड़े स्कूलों में जाते हैं, ये मिडिल स्कूल में है, तो वो साले थोड़े दोने तंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लो भाई, आपको दिखाने के लिए, ये देखो ऐसे बच्चे खड़े होते हैं, और जर्नी 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 जर्नी, ये देखो भाई ऐसे पूरा सिक्योरिटी होती है, और ये देखो मेरी बेटी आ गई है, ये देखो आई न्यू यू गोना से दैट व्हाई यू रिकॉर्ड इट, व्हाई यू रिकॉर्ड इट डैडी, व्हाई यू रिकॉर्ड इट डैडी, डैडी डैडी डोंट डू दैट, डैडी डोंट डू दैट, सारा दिन सुनते सुनते कान पक जाते हैं इसके, तो बस यहाँ से लेके निकलो, ये पूरा स्कूल का भी तो खाली हो चुका है,
किसी दिन फिर दोबारा दिखाऊंगा। ऐसे ये देखो ऐसे खड़े होते हैं तो आपको पूछते हैं कि भाई किसको उठाना है किसको, तो ये पीछे ग्राउंड के चली जाती है, इधर ग्राउंड वगैरह यहाँ पे। तो ये यहाँ से बाहर निकलने का होता है सिस्टम कि आप किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, उसी मेन रोड पे वापस जाना है तो मेरे को इधर जाना है। तो अगर इधर जाता हूँ तो आगे बच्चों का बड़ा स्कूल है तो फिर वहाँ से उनको उठाता हूँ, तो उनकी भी मैं वीडियो आगे दिखाऊंगा आपको। तो बस इतना शेयर करना था।